बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान के साथ 24 घंटों में 20 फरिश्ते रहते हैं। तफसीर इबन जरीर में वारिद हुआ है कि हजरत सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि फरमाइए, बंदे के साथ कितने फरिश्ते होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो दाएं जानिब नेकियों का लिखने वाला जो बाएं जाने वाले पर अमीर है, जब तू कोई नेकी करता है वो एक के बजाय 10 लिखता है। जब तू कोई बुराई करे तो बाएं वाला दाएं वाले से उसके लिखने की इजाज़त तलब करता है। वो कहता है, जरा ठहर जाओ, शायद तौबा और इस्तिगफार करे। 3 मरतबा वो इजाज़त मांगता है, तब भी अगर उसने तौबा ना की तो ये नेकी का फरिश्ता उससे कहता है, अब लिख ले, अल्लाह हमें इससे छुड़ाए, ये तो बड़ा बुरा साथी है। इससे अल्लाह का लिहाज नहीं, ये अल्लाह ताला से नहीं शर्माता। अल्लाह का फरमान है कि इंसान जो बात जुबान पर लाता है उस पर निगहबान मुतय्यन और मुहैया है, और 2 फरिश्ते तेरे आगे पीछे हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, लहू मुअक्किबातुन मिन बैन यदै व मिन खल्फिही यहफज़ूनहू मिन अम्रिल्लाह। सूरतुर रात आयत नंबर 11। तर्जुमा, हर शख्स की हिफाजत के लिए कुछ रिश्ते मुकर्रर हैं जिनकी बदली होती रहती है, कुछ उसके आगे कुछ उसके पीछे, कि वो बहुक्म खुदावंदी उसकी हिफाजत करते हैं। माखूज़ बयानुल कुरान। और एक फरिश्ता तेरे माथे के बाल थामे हुए है, जब तू अल्लाह के लिए तवाज़ो और फरोतनी करता है वो तुझे बुलंद दर्जा कर देता है, और जब तू उसके सामने सरकशी और तकब्बुर करता है वो तुझे पस्त और आजिज़ कर देता है। और 2 फरिश्ते तेरे होंठों पर हैं, जो दुरूद तू मुझ पर पढ़ता है उसकी वो हिफाजत करते हैं। एक फरिश्ता तेरे मुँह पर खड़ा है कि कोई सांप वगैरह जैसी चीज़ तेरे हलक में ना चली जाए। और 2 फरिश्ते तेरी आंखों पर हैं, ये 10 फरिश्ते हर बनी आदम के साथ हैं, फिर दिन के अलग हैं और रात के अलग हैं। यूं हर शख्स के साथ 20 फरिश्ते मिन जानबिल्लाह मुअक्कल है। तफसीर इबन कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 32। दोस्तों देखो, अल्लाह ताला हमारे साथ कितनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 20 फरिश्ते 24 घंटों में मुकर्रर किए हैं, जो हमारे लिए हिफाजती निज़ाम बनाए रखते हैं। फिर भी हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बाज नहीं आते। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से तौबा करें। इससे अल्लाह ताला हमारे साथ दुनिया में भी खुश होंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे।